अब कैसे पकड़ेगा मछली? ऐसे 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 पुरो, अब तुम्हें 50 मछलियां पकड़नी पड़ेंगी। बहुत मजा आएगा। छोटे भाई को दंड मिलने पर बड़े भाई प्रसन्न नहीं होते। बिच्छू भी छोटा ही होता है परंतु दर्द बहुत देता है। भाई मेरा वो मतलब, मैं हर बार प्रयास करता हूं कि सुमेर का विश्वास पा सकूं और तुम हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो। जिस मूर्ख को अपने आप पर विश्वास नहीं, तुम उसका विश्वास प्राप्त करना चाहते हो? जिसे तुम मूर्ख कह रहे हो ना पुर, वो दस्यु राज का पुत्र है, कल दस्यु राज बनेगा। अगर उसका विश्वास पात्र रहा तो अवश्य उसका सेनापति बनूंगा। उसका सेनापति बनना चाहते हैं आप? जो एक सैनिक बनने के योग्य नहीं। क्यों, राजा बनोगे तुम्हें आके? गुरु तुम्हें अपनी सीमा ज्ञात हो या ना हो, मुझे राजा बनने के लिए राजा का पुत्र होना आवश्यक है। ऐसा किसने कहा? राजा जन्म से नहीं, कर्म से बनता है। गुरु वन में चाहे कितने भी पशु आ जाए, राजा सिंह ही बनता है। बस यही अंतर है पशु और मनुष्य में, सोच का। सोच जो सच बनकर सामने खड़ी हो जाए। तुम्हें जो सोचना है सोचो पुरो, मेरा सच यह है कि मैं सेनापति बनके प्रसन्न हूं। अब मेरे रास्ते में मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा बीच में। पर एक शर्त है। फिर से नहीं पुरु, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेनापति बनना है कि नहीं? तुम हर बार ये सब क्यों करते हो पुरु? तुम नहीं समझोगे। क्षमा युवराज, भूल हो गई। अब तुम जानोगे कि युवराज के समक्ष भूल कर भी भूल नहीं होनी चाहिए। कनिष्क, 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 माँ बीच में मत आइए। इन तुच्छ लोगों को बताना आवश्यक है
कि राजघराने के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। क्या? सोच सत्य बनकर सामने आती है, इसीलिए दंड उसे दो जो सोच समझ कर अपराध करे। प्रजा हैं आप हमारी, और कनिष्क हमारा पुत्र अपने होने वाले महाराज को क्षमा कर दें। होने वाले राजा? नहीं महाराज, बहुत अंतर है आप में और युवराज में। विश्वास कीजिए, ऐसा क्रूर कभी राजा बन ही नहीं सकता। सुना और समझा नहीं वस्त्रकार, हमने कहा दंड उसे देना चाहिए जो सोच समझ कर चोट पहुंचाए, और तुमने युवराज का अपमान करके हमारे निर्णय को ललकारा। हमारे अहम पर चोट की, सोच समझ कर अब तुम इसे दंड दे सकते हो कनिष्क। इस द्रोही को राज्य के बाहर फेंकवा दो। कहाँ रह के हस्ती? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आज नहीं छोड़ूंगा, बहुत प्रसन्न हो रहा था। पुरु, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। उठ हस्ती, उठ। क्या हुआ? हुआ नहीं माँ, हो जाता आज ये मुझे फारसी बातों से मरवा देता। माँ इसने अपनी तलवार उनके हाथ में दे दी और कहा कि मुझे मार डालो। माँ तूने मेरे बेटे को मारने के लिए तलवार दी? तू उसी के योग्य। छोड़ मेरे बेटे को, मार डालेगा क्या उसको?
छोड़ मेरा दर्द भी तुम्हें छोड़ मेरे बेटे को तुम्हारी वो लोग लग रही है छोड़ उसे छोड़ मेरे बेटे को छोड़ मेरे बेटे को छोड़ अच्छी तरह जानते हो तुझे वश में करना रोक तुम पुरु गई यार छोड़ना पुरु आ रही है पकड़ अरे पुरु मर जाऊंगा पुरु क्या कर रहे हैं पुरु छोड़ छोटा होके प्रहार करता है अपने भाई पर मेरे हाथ और जीवा मैं ही करवाता है मारते मारते मैं थक गई लेकिन तू मार खाते खाते नहीं थका मार खाता हूं क्योंकि पूरी मिलती है हस्ती को तुम्हारा प्यार पूरा मिलता है मां तो मार तो पूरी मैं ही खाऊंगा क्या मगर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ये अनुचित है उचित या अनुचित ये परिस्थितियां निश्चित करती है सज्जन सिंह और परिस्थितियां कह रही है कि इस समय ऐसा करना ही अनिवार्य है परंतु ये छल है महाराज नहीं यही समस्या का हल है मां नंदिनी दस्यु महाराज को आप ही समझाइए ना कि आपने उन सबको घर पहुंचाने का वचन दिया है मैं दासियों के मुखिया हूं सज्जन सिंह दासों के नहीं और तुम एक दस्यु सेनापति हो अगर रानी का आदेश मानना है तो शस्त्र सामने है नहीं मैंने कभी किसी निर्दोष और निहत्थे के प्राण नहीं लिए यह अधर्म है अधर्म है ये जितना मैंने जाना है एक सेनापति का धर्म केवल आज्ञा का पालन करना है अतिथि सत्कार हो चुका अब इसी समय उन्हें विदा करो अरे जब तक मछलियां नहीं पकड़ोगे भोजन नहीं मिलेगा वो रत्न डुबाया था ना अब भूख तो अगर मैं भूखा रहा तो तुम भी भूखे रहोगे क्योंकि तुम्हें मेरी निगरानी करनी है अरे तू जल्दी मछली पकड़ो ना हस्ती बोलो ना उसको पुरो जल्दी मछलियां पकड़ो मछलियां है ही कहां भाई उनको पकड़ने के लिए भी भोजन लगेगा लाची
सुना है माँ ने तुम्हें अनोखा दंड दिया है, सोचा मैं भी आके सीख लूं बिना जाल की मछलियां कैसे पकड़ते हैं। अरे ये क्या, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। महान दस्युपुरु रिक्थात। अरे मछलियां थी कहां लाची? तो अब तो है, पकड़ लो। लाची, अगर तुमने इसकी सहायता की तो माँ से तुम्हें भी दंड मिलेगा। मैं इसकी सहायता नहीं कर रही हूँ भाई, मैं तो बस चुनौती दे रही हूँ। हाँ पकड़ो। अब तक तो बहाना था ना कि मछलियां नहीं है, अब पकड़ के दिखाइए खाली हाथ। चुनौती रही, तुमसे नहीं हो पाएगा। बाकी किसके लिए? तुम्हारे लिए। चुनौती में कभी हारता नहीं और उपकार स्वीकारता नहीं। हारना तो मैंने भी नहीं सीखा, बोल के तो देखो। तुम पानी में अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकती हो? पुरु के पिता है ना, हम बता नहीं सकते कि हम लोग पुरु के कितने अधिक आभारी हैं। उसने अपने प्राणों पर खेलकर हम सब की रक्षा की है। हम सबने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी अपने घर वापस जा पाएंगे, और उससे भी अधिक आभारी हम आपके, क्योंकि एक बेटे में संस्कार उसके माता पिता से ही तो आते हैं। आपने ही पुरु को सिखाया होगा ना कि दूसरों के प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं। प्रतिभाशाली हो। हम लोग शिल्पकार हैं, इसीलिए तो फारसी हमें लेकर जा रहे थे। ये खिलौना तुम किसके लिए बना रहे हो? ये खिलौना मैं अपने होने वाली संतान के लिए बना रहा हूं। वो मेरी पत्नी गर्भवती है ना, ने कुछ कहा क्या? कहाँ है वो?
वो दासों को छोड़ने पौरव राष्ट्र गए। अकेले तुम उनके साथ क्यों नहीं गए अस्ति? किस ओर गए हैं वो? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर?